हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वर्कशीट नंबर 3। इसकी एक वीडियो मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू 10 इसी वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको दिया गया है क्वेश्चन, अ ट्रेन 280 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो अभी आप यहां सबसे पहले देखो आपको क्या देखना है, ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर्स में दी गई है, 280 मीटर्स, और जो स्पीड है वो कैसे दी गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन दी गई है। मैं लिख देती हूँ स्पीड ऑफ ट्रेन 42 किलोमीटर पर आर। अब आप देखो, आपको पता है यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर यहां पर किलोमीटर है और यहां मीटर है तो आप इसको सेम बनाओगे। तो सबसे पहले हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करोगे, पहले किलोमीटर लिखा हुआ है तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब ये डिवीजन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अब आर्स है, 1 आवर में सेकेंड्स कितनी होती है, 3600, ठीक है, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600। तो इसको कैंसिल करो, देखो 0 से 0, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16। तो आपको याद रखना है, जब भी आप किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको कंप्लीट लिखवाया, अदरवाइज आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि मल्टीप्लाई किससे करना है, 5/18 से, ठीक है। अब इसको और ज्यादा कैंसिल कर लो, अगर ये कैंसिल होता है तो देखो सिक्स की टेबल में दोनों आते हैं, 6 3 18, 6 7 42, तो यहां से आया 7 5 35 डिवाइडेड बाय 3, इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो रहा, तो मैं लिख लेती हूँ 35 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो गया हमारी स्पीड, अब किसमें आ गया, मीटर पर सेकंड में। अब यहां से देखो, अब हम अपनी टेबल बनाएंगे, अब आप टेबल में देखो आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखना है क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। तो यहां पर दिया हुआ है, एक तो स्पीड, पहले तो यहां देखो क्या दिया हुआ, स्पीड ऑफ ट्रेन दी गई थी 35 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। अब ये जो मीटर पर सेकंड का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मीटर है ये डिस्टेंस को शो करता है, और सेकंड किसको शो करती है, टाइम को। तो मैं यहां लिखूंगी डिस्टेंस इन मीटर, और यहां लिखूंगी मैं टाइम इन सेकेंड, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चला 35 डिवाइडेड बाय 3 इतने मीटर, ये वो कितने में सेकंड करता है, पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में, ठीक है। तो 35 डिवाइडेड बाय 3 मीटर इन 1 सेकंड, ठीक है, यहां से ये पता चला। लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बुक में से कुछ दिखाती हूं, यहां से देखें, ये है आपका पेज नंबर 60 है, पेज नंबर 60 के ऊपर ये आपको एक पिक्चर बना के दी गई है, जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और आपको फिगर बनानी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है। देखो यहां पर क्या दी गई है, एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है जिसको इन्होंने क्या बोला, मूविंग ऑब्जेक्ट, जो चल रहा है। अब यहां पर ये पोल है, अब यहां ये कैसा पोल, तो आपको पता है वो तो एक जगह खड़ा रहेगा, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, यहां पर कोई फिक्स्ड पोल दिया हो सकता है, ठीक है, कोई सिग्नल पोस्ट हो सकता है, और अ स्टैंडिंग मैन ऑफ नेग्लिजिएबल डायमेंशन, यहां पर मतलब एक बिल्कुल ऐसी डायमेंशन, देखो जैसे पोल है वो कितना पतला सा होता है, ठीक है। और यहां पर अगर आपके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट आए, पोल आ जाए, सिग्नल का कोई पोस्ट आ जाए, या फिर आपके पास क्या आ जाए, कोई मैन खड़ा हो, तो ऐसे केस में क्या होता है। अब आप देखो, अगर ट्रेन है, यहां पर मान लो एक मैन, मान लो इसको यहां पर पोस्ट मान लो, अब ये जो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ ये है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ट्रेन की लेंथ इतनी है, लेकिन जब ये ट्रेन चलेगी, जब ये ट्रेन मूव करेगी, इन्होंने क्या लिखा है, क्रॉसिंग द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिएबल डायमेंशन। आप ये देखो, ये जो ट्रेन चल के यहां से जब जाएगी, तो वो ट्रेन आगे मूव करेगी, तो यहां सेकंड कंडीशन में देखो इन्होंने क्या कहा है, ट्रेन यहां पर खड़ी थी, जब वो ट्रेन चलते चलते कहां चली गई, इधर। आप यहां पर देखो, यहां पर अभी ये जो ऑब्जेक्ट था वो ट्रेन से कहां पर था, आगे था, लेकिन जैसे ट्रेन आगे चल के निकल गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेन के कहां गया, पीछे। तो आप देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, आप ये देखो, ये ट्रेन है, ये इसका एंडिंग पॉइंट अभी फिलहाल कहां पर था, यहां पर था ना एंडिंग पॉइंट, यहां पर ये देखो इन्होंने यहां लगा रखी है लाइन, यहां से चल के जो ट्रेन है यहां से चल के इधर आ गई है। अब आप देखो इसका एंडिंग पॉइंट अब कहां रह गया,
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पीछे रह गए और ट्रेन आगे निकल गई। तो आप देखो ट्रेन यहां से चल के इधर आ गई है, मतलब यहां पर तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, बस ट्रेन खुद ही तो यहां आ गई है ना पोल को कवर करने के लिए। ट्रेन पहले पोल ट्रेन के आगे था, अब जैसे आगे गई तो पोल के पीछे आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो जितनी सिर्फ ट्रेन की लेंथ थी उतना ही तो डिस्टेंस कवर हुआ है ना पोल को कंप्लीट करने में, पोल को कवर करने में। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा कोई भी, मतलब नेग्लिजिएबल जिसकी लेंथ होगी, तो आप सिर्फ ट्रेन की लेंथ को कंसिडर करोगे कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, बस यहां से चल के ट्रेन यहां पर आ गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ सिर्फ इतना सा, और इतना सा डिस्टेंस है क्या, ये तो ट्रेन की लेंथ है। तो मतलब यहां से लेके यहां गए तो सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर किया है, सिर्फ ट्रेन की लेंथ को लिया है, ठीक है। तो यहां से देखो, तो इन्होंने पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो जैसे अभी पोल था तो उसकी जगह यहां पर क्या है, मैन है। तो जब मैन, जब ट्रेन मैन को कवर कर जाती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितनी ट्रेन की खुद लेंथ होती है, और ट्रेन की खुद की लेंथ कितनी है, 280 मीटर। तो डिस्टेंस आप क्या लिखोगे, 280 मीटर। अब आपको बताना है ये जो 280 मीटर है इसको कवर करने में कितना टाइम लिया, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, एक्स सेकेंड। तो हमने यहां पर एक लेंथ, एक लाइन लिखी है, लेट ट्रेन विल टेक एक्स सेकेंड टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो अब आप यहां से देखो डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन होगा। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आप साइंस में भी क्वेश्चन करते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब आप यहां से देखो आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या यूज हुआ है, डिस्टेंस और टाइम यूज हुआ, मतलब डिस्टेंस और टाइम। अगर आपका इक्वल से एक लेफ्ट में से आप उठाते हो और एक कहां से उठाते हो, राइट में से, तो आपका क्या होगा यहां पर। तो यहां से देखो जब आप एक इधर का उठाओ एक इधर का उठाओ तो आपका कौन सा वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। जब डिस्टेंस और टाइम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहां पर इन्होंने लिखा भी है, जब मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स करवाए थे इन पॉइंट्स से मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कौन सा हो, डिस्टेंस और टाइम देखना ना आपको, ये लास्ट वाला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन वेरी डायरेक्टली। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप फॉर्मूले में लिख लेना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो अगर आप एक लेफ्ट में से उठाते हो एक राइट में से उठाते हो तो कौन सा होगा, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। जैसे मान लो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम दिया, अगर देखो यहां तो डिस्टेंस और टाइम में था, अगर डिस्टेंस और स्पीड होगा एक लेफ्ट का एक राइट का उठाया तो भी कौन सा होगा, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, अगर किसी क्वेश्चन में स्पीड भी दी हो और ट्रेन भी, मतलब आपकी टेबल स्पीड और टाइम में बने, अगर दोनों ही राइट साइड के आपने उठा लिए तो उसमें आपका कौन सा आ जाएगा, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। अगर आप एक लेफ्ट में से उठाओ एक राइट में तब तो डायरेक्ट वेरिएशन, जैसे डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट वेरिएशन, डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्ट वेरिएशन। अगर दोनों आप राइट साइड के उठा लो, स्पीड और टाइम उठा लो, तब आपका कौन सा होगा, इनवर्स वेरिएशन। अब हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से आए हुए हैं, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम में तो ये क्या देगा, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर आप डिस्टेंस को ए से करो और टाइम को बी से, तो आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, ए डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो डिवाइड करो 35 डिवाइडेड बाय 3, उसको डिवाइड करना है 1 से। अब किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करो वही आंसर आता है, तो मैं यही लिखूंगी इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय x। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 35 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 280। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 280, ये 35 यहां पर आ जाएंगे अपॉन में, 7 5 35, 7 4 28, 0 5 5, 5 8 40, तो x की वैल्यू आ जाती है 3 8 24। तो यहां पर आ गया आपके पास 24 आया है। तो इन्होंने पूछा था कि जो ट्रेन है वो मैन को कितने टाइम में पास कर जाएगी, तो कितने टाइम में पास कर जाएगी, 24 सेकेंड्स में। देयरफॉर ट्रेन विल पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग क्रॉसिस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 28 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब आप यहां पर देखो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया है अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग क्रॉसिस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 28 सेकेंड। अब मैंने यहां पर डिस्टेंस और टाइम में टेबल बनाई है, तो इन्होंने बोला है ट्रेन जिसकी लेंथ है 350 मीटर क्रॉसिस एन इलेक्ट्रिक पोल, और मैंने अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था या वो मैन को क्रॉस करे इलेक्ट्रिक पोल को, कोई सिग्नल बोर्ड है उसको अगर कवर करे
तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है जितनी ट्रेन की लेंथ होती है, मतलब 350 मीटर वो कितने टाइम में कवर करती है, 28 सेकंड में। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ डिस्टेंस कितना है 350 मीटर इन 28 सेकंड, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 28 सेकंड। अब आप यहां से देखो, इन्होंने पूछा है, अब आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो आप ये कहोगे कि मैम जितने भी डायरेक्ट इन्वर्स के क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें तीन चीजें दी होती है और जो फोर्थ वाली है वो आपको निकालनी होती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ दो ही दिए हैं। तो अब आप यहां से देखो, इन्होंने एक चीज और दिया, वो कहां से फाइंड करोगे, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देखो यहां पर एक तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इन्वर्स के हैं तो टेबल बना के ही करो। कई बच्चे इसको ना सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और जैसे आपके साइंस में क्वेश्चन करवाते हैं वो उस टाइप से कर देते हैं, लेकिन बेटे वहां आपको पता ही नहीं चला कि कौन सा वेरिएशन यूज हुआ, तो टेबल बना के करना। तो अब आप यहां से देखो, यहां पर दिया गया है किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये तो नहीं पता कि कितने किलोमीटर कवर करती है 1 आवर में, मतलब लेकिन टाइम तो देखो, जो जो भी आपकी स्पीड होती है वो हमेशा दी होती है किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर किलोमीटर चेंज हो जाते हैं, कभी 50 किलोमीटर कभी 60 किलोमीटर, लेकिन पर आवर, आवर तो सेम होता है, 1 आवर तो 1 आवर ही होता है, और 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं। ये किसके इक्वल होता है, 1 आवर के। तो हमें पता चल गया यहाँ पर एक चीज और दी गई है, टाइम जो कि कितना है 3600 सेकंड। अब मैंने आपको बताया था जब आपका फॉर्मूला लिखा हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, आपका डिस्टेंस और टाइम दिया गया है, एक लेफ्ट में से उठाओ एक राइट में से, तब आपका कौन सा वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो हमें यहां पर बताना है कि 3600 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम यहां लिख लेते हैं लेट एक्स मीटर डिस्टेंस कवर इन 3600 सेकंड, और डिस्टेंस और टाइम में एक लेफ्ट का एक राइट का, तो ये कौन सा वेरिएशन है, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डिस्टेंस ए है और टाइम बी है तो आपका क्या कॉन्स्टेंट रहता है, ए डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां पर क्या देगा 35/23। जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है हम उसमें एरो नहीं लगाते, बस इस फॉर्मूले से ही पता चल जाता है कि डायरेक्ट बनेगा या इनवर्स, एक्स डिवाइडेड बाय 3600। अब मुझे यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय 28, और यहां से आ जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 3600। एक्स को यहीं रखो, 28 अपॉन में आ जाएगा, 7 5 35 0, 7 4 28, 4 1 4, 4 9 36 00, तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 5 9 45 और 3 0 हैं, तो इतने मीटर आए हैं, ठीक है, कितने आए हैं, तो 45,000 मीटर आए हैं। अब हमें बताना है किलोमीटर में, तो मैं इस 45,000 को, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1,000 होते हैं, तो आप इसको डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर। तो यहां पर आ जाए, आप यहां लिख देना बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1,000 मीटर, तो 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, देयरफॉर 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्स इन 3600 सेकंड या फिर 1 आवर। अब आप ये बताओ 1 घंटे में 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 45 किलोमीटर। अब आपकी स्पीड भी कैसे दी गई होती है, स्पीड भी जो आपकी वो यही होती है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है, तो यहां से कि स्पीड कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड बतानी थी तो स्पीड यहां से पता चल गई, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई है, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपको पता होना चाहिए, 45 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो कितना 45, तो स्पीड बन जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसिज अ ब्रिज इन 13 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो आप यहां से देखो, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर स्पीड ऑफ ट्रेन लिख लेती हूँ, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। यहां पर तो किलोमीटर पर आवर में है, जबकि ट्रेन की लेंथ मीटर में है और ब्रिज को कवर करती है 13 सेकंड में, मतलब मीटर और सेकंड में है, तो हम इसको भी मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, और 1 आवर में सेकंड कितनी होती है, 3600। आप इसको कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगी, ठीक है, 36 1 36, 32 6 2 72, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड।
तो हमें पता चल गया कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो अब आप जो अपने टेबल बनाओगे वो देखो, मीटर और सेकंड दिया गया, मीटर क्या होता है डिस्टेंस और सेकंड क्या होता है टाइम होता है। तो जो हम टेबल बनाएंगे वो किसमें आएगी, डिस्टेंस और टाइम में। तो डिस्टेंस कितना दिया गया, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब डिस्टेंस कितना कवर होता है, 20 मीटर डिस्टेंस कवर होता है पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में। ठीक है, अब यहां से ये देखो, मैंने आपको पहले ये छोटी छोटी चीजें तो क्लियर कर दी, लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो क्या दी गई है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 मीटर, लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसिस अ ब्रिज। अब देखो ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 मीटर है, और ब्रिज की लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, आपको बताना है कि ब्रिज की लेंथ कितनी है, जबकि वो ब्रिज को कितने टाइम में कवर कर देती है, 13 सेकंड में। ठीक है, ब्रिज की लेंथ को कितनी कवर में करती है टाइम में, 13 सेकंड में। आपकी बुक में देखो, आपकी बुक में एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिया पेज नंबर 61 के ऊपर। यहां पर देखो इन्होंने पहले, इससे पहले मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था, इधर पेज नंबर 60 पे था। यहां पर क्या था कि ये जो आपका जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था उसकी नेग्लिजिएबल लेंथ थी, कोई पोल हो, सिग्नल हो, कोई मैन खड़ा हो, तब तो हम डिस्टेंस सिर्फ कितना लेते थे, जितनी ट्रेन की लेंथ होती थी उतना डिस्टेंस लेते थे। लेकिन यहां पर जो अब की बार जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कोई टनल हो सकती है। देखो यहां पर लिखा है स्टेशनरी, या ट्रेन तो वही है, ट्रेन को कवर करना है। यहां पर ये स्टेशन, ये क्या चीज है, प्लेटफॉर्म आ सकता है इसकी जगह, कोई ब्रिज आ सकता है, कोई टनल आ सकती है, और कोई स्टैंडिंग ट्रेन आ सकती है। मतलब जो बीच में जो चीज होगी ना उसकी भी जो लेंथ होगी वो काफी होगी, काफी लंबाई में होगी। ठीक है, आप देखो, अगर आप देखो कि अगर आपके ट्रेन में बैठ के जा रहे हो और अगर आपके साइड में एक मैन हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन उसको वो आपकी आंखों से कब, मतलब आप एक मैन को देख रहे थे वो बिल्कुल विंडो के साइड में था, वो कब एकदम निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब कोई मतलब कोई प्लेटफॉर्म है, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और अगर आप प्लेटफॉर्म के साइड में से जाते हो तो आप देखोगे आपको काफी देर तक वो प्लेटफॉर्म नजर आएगा। कोई ब्रिज होगा तो ब्रिज को भी आप देखते जाओगे काफी दूर तक, टनल अगर टनल के अंदर से जा रहे हो तो भी आपको पता चलेगा काफी देर तक। ठीक है, आपको अंधेरा सा फील होगा, ठीक है, या फिर लाइट्स होती है अंदर तो काफी टाइम लग जाता है उसको कवर करने में। या फिर कोई स्टैंडिंग ट्रेन है, आपकी ट्रेन है उसके साइड में कोई स्टैंडिंग ट्रेन है, जब आपकी ट्रेन उसको पास करके जा रही है तो आपको काफी देर तक वो ट्रेन नजर आती है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जिसकी लेंथ को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, तो अब देखो इस केस में आप क्या देखोगे, आपकी ट्रेन यहां खड़ी थी, ठीक है, जब वो टनल के अंदर से जाके यहां पहुंची, ठीक है, आप देखो इसका जो एंड पॉइंट है, यहां पर जब ट्रेन खड़ी थी उसका एंड पॉइंट कहां पर था, यहां पर था, यहाँ पे एरो बना दिया इन्होंने। लेकिन जब ट्रेन उसको पास करके आगे निकल जाती है तो उसका एंडिंग पॉइंट कहां पर आ जाता है, यहां पर। पहले ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहां पर था, जब वो पास करके चली गई तो एंडिंग पॉइंट यहां पर आ गया। तो आप देखो जब ट्रेन पास करके गई है इस टनल को तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो यहां पर देखो एंड पॉइंट यहां से यहां आ गया, मतलब क्या क्या कवर किया, ट्रेन की लेंथ को और जो आपका ब्रिज या टनल जो भी है उसकी लेंथ को, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। ट्रेन जब यहां से यहां पहुंचे तो उसका एंड पॉइंट यहां से यहां चला गया, मतलब ये बीच में इतनी जगह उसने कवर किया। और ये इतनी जगह क्या आएगी, ये तो ट्रेन की लेंथ है प्लस ये कौन सी लेंथ है, टनल की लेंथ या फिर ब्रिज की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ, मतलब। तो अब आपके पास क्या आएगा, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी और उसके साथ में टनल की लेंथ, ठीक है, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। तो अभी आप ये देखो आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिस्टेंस आपका ये कहता है जब वो ब्रिज को कवर कर जाता है, ब्रिज को कितने टाइम में कवर करता है, 13 सेकंड में। तो मैं यहां टाइम लिखूंगी 13 सेकंड, ठीक है। तो आप यहां से लिखोगे, तो आप यहां पर एक ये लाइन लिखोगे, चाहो तो टेबल से पहले लिख लेना, डिस्टेंस कवर इन 13 सेकंड कितना आएगा, तो जितनी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी और प्लस में जो ब्रिज की लेंथ आ जाएगी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 मीटर, और ब्रिज की लेंथ हमारे पास दी नहीं गई, तो हमने जो लेट लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ हमने कितनी लेट कर ली है, एक्स कर ली है, तो 150 प्लस में एक्स, तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 13 सेकंड में डिस्टेंस कवर होता है 150 प्लस एक्स, तो टाइम आ जाएगा 13 सेकंड और डिस्टेंस कितना कवर होगा 150 प्लस में एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आता है। अब आप यहां से देखो डिस्टेंस और टाइम में दिया गया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आपकी टेबल डिस्टेंस और टाइम में, जब आप एक लेफ्ट का और एक राइट का उठाते हो तो आपका कौन सा वेरिएशन होता है, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डिस्टेंस को ए से रिप्रेजेंट करो और टाइम को बी से, तो आपका क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, ए डिवाइडेड बाई बी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 1 वो किसके इक्वल आ जाएगा,
150 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 13। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 20 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई होगी 150 प्लस एक्स से, वही आ जाएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 13 टू 26, 150 प्लस में एक्स, एक्स को लेफ्ट में ही रखते हैं, 260 प्लस के 150 इधर आके माइनस के 150 होंगे, ये माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 110। ठीक है, देयर फोर एक्स की वैल्यू 110 आई और एक्स क्या था, लेंथ ऑफ ब्रिज थी। ठीक है, देयर फोर लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू 110 मीटर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर अ प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग इफ इट्स स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहां से देखो आपको क्या दिया गया है, हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्लियर अ प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग इफ स्पीड, आपको स्पीड दी गई है, स्पीड आपकी दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आपसे देखो यहां से जो आपका प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ 120 मीटर दी गई है और ट्रेन की भी, ठीक है, ट्रेन है 120 मीटर और प्लेटफॉर्म है 130 मीटर। तो आप देखो जब ये मीटर में दिए गए हैं तो हम अपनी स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, 50 किलोमीटर की जगह कितना आता है 1000, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000 और आवर्स को सेकंड में कम चेंज करना है तो 3600। 20 से 20 कैंसिल करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो यहां से देखो इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, 2 से कैंसिल करोगे 25, 2 से कैंसिल करोगे 9, तो यह आ जाता है 25 5 125 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड, मतलब इतने मीटर वो कवर करता है 1 सेकंड में। तो हम अब अपनी टेबल बना लेते हैं, तो हमने यहाँ पर टेबल बनाई है डिस्टेंस और टाइम में, तो यहां से जो स्पीड थी हमने उसको चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो यहां से मुझे पता चल गया 125 डिवाइडेड बाय 9 मीटर कितने टाइम में कवर होता है 1 सेकंड में, तो डिस्टेंस कितना है 125 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में, क्लियर है। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो 125 मीटर इन 9 सेकंड, ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। तो 125 डिवाइडेड बाय 9 मीटर 1 सेकंड में हो रहा है। अब आपको बताना है यहां से कि जो ट्रेन है जिसकी ट्रेन की लेंथ कितनी है यहां से 120 मीटर, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 130 मीटर, उसको कवर करने में कितना टाइम लगाएगी। तो आप यहां से देखो ये वही क्वेश्चन हो गया जैसे इससे पहले हम कर रहे थे कि ये ट्रेन है और ये आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यहां पर अब की बार आपका क्या दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को कवर करते तो ट्रेन यहां से जाके यहां चली जाती है, ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहां से यहां तक पहुंच गया, यहां से चल के यहां तक, तो एंडिंग पॉइंट को यहां से यहां आने में ये इतना सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो ये क्या होता है ट्रेन की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा, तो आपको याद रखना है इन्होंने पूछा है कि जब वो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को कवर कितने टाइम में कर जाएगी, तो मैंने लिखा लेट टाइम टेकन टू कवर अ प्लेटफॉर्म एक्स सेकंड, तो टाइम कितना आ जाएगा एक्स सेकंड आ जाएंगे। तो अब आपको यहां पर देखना है कि आप डिस्टेंस क्या लिखोगे, तो जब वो ट्रेन है जब वो प्लेटफॉर्म को कवर कर जाती है तो वो कौन कौन सा डिस्टेंस लेना होता है, वो डिस्टेंस किस किस के इक्वल आएगा, ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन तो है 120 मीटर और लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है 130 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 250 मीटर डिस्टेंस कवर इन एक्स सेकंड। तो यहां पर आपका क्या लिखा जाएगा, आपका यहां पर लिखा जाएगा 250 मीटर। अब आप यहां से देखो डिस्टेंस और टाइम में दिया गया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, आपकी टेबल में डिस्टेंस है, आपकी टेबल में टाइम है, एक इक्वल से लेफ्ट में एक इक्वल से राइट में, जब एक लेफ्ट का और एक राइट का उठाओ तो वो कौन सा होता है, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहां पर आपका क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, ए डिवाइडेड बाय बी आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहां से आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 9, इस डिवाइडेड बाय 1 होगा ना, इसको 1 से डिवाइड कर दो और 1 से डिवाइड करने पे वही आता है, तो यहां है 125 डिवाइडेड बाय 9 और यहां से आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 125 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई x को यही रखो 250 मल्टीप्लाई बाय 9, 125 अपॉन में आ जाएगा 125 बाय 1 जा 125,
125 टू जा 250, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2 9 18। तो यहां से पता चल गया कि जो ब्रिज है उसको कितने टाइम में कवर करेंगे, 18 सेकंड में। देयरफॉर ब्रिज विल क्लियर इन 18 सेकंड। अ ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग टुक 12 सेकंड्स टू पास अ 90 मीटर लॉन्ग टनल, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे क्योंकि मुझे निकालना, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, अब स्पीड बताया आपको किलोमीटर पर आवर में होती है, तो हम लिखेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर, ये मैंने लेट कर ली। ठीक है, अब आप यहां से देखो जो मेरी टेबल है वो यहां पर ट्रेन की लेंथ मीटर में है, टाइम आपका दिया सेकंड में। जो टेबल है मैं बना लेती हूँ, डिस्टेंस हो टाइम में, डिस्टेंस मीटर में हो और टाइम किस में हो, सेकंड में। तो अब आप यहां से देखो जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहले तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर और सेकंड में। तो एक्स किलोमीटर की जगह कितना लगता है 1000, और टाइम की जगह आवर्स की जगह यहां पर कितना लगेगा 3600। ठीक है, चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, 20 से 20 कैंसिल, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, तो कितना आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना आ गया 5x डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकंड। आपकी ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे x की वैल्यू निकलेगी और वही आपकी स्पीड होगी। ठीक है, तो मीन्स सिर्फ आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 5x डिवाइडेड बाय 18 मीटर 1 सेकंड में होता है, तो डिस्टेंस में आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 18 मीटर, और टाइम में कितना आ जाएगा 1 सेकंड। अब आपको यहां से बताना है, देखो ट्रेन की लेंथ कितनी है 210 मीटर, और जो टनल है उसकी लेंथ कितनी है 90 मीटर, वो ये इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करते हैं 19 सेकंड में, मतलब टाइम की जगह कितना आएगा 12 सेकंड आएंगे। और अब आपको बताना है डिस्टेंस कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो कि आपकी ट्रेन किसको क्या क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल या फिर स्टेशनरी, कोई स्टैंडिंग ट्रेन हो, तो ऐसे केस में आपको ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म ब्रिज जो भी है उसकी लेंथ को क्या करना होता है, इतना डिस्टेंस कवर करती है जब वो इसको क्रॉस कवर कर जाती है। तो अब आपको यहां पर बताना है डिस्टेंस कितना आएगा, तो जितनी ट्रेन की लेंथ है मतलब 210 मीटर प्लस में जो आपकी टनल की लेंथ है वो कितनी है 90 मीटर, तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर वो कवर करती है 12 सेकंड में। अब सीधा टेबल पे लिख दो वो भी आ जाएगा, या फिर आप नीचे लिख के दिखा सकते हो, डिस्टेंस कवर इन 12 सेकंड वो कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल। लेंथ ऑफ ट्रेन 210 है और लेंथ ऑफ टनल कितनी है 90, तो प्लस करके आ जाएगा 300। तो 300 मीटर डिस्टेंस कवर होता है 19 सेकंड में। अब हमें यहां से इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम है। डिस्टेंस और टाइम में आपकी टेबल बनी है, एक लेफ्ट का एक राइट का, तो ये कौन सा वेरिएशन है, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो अगर आप डिस्टेंस को ए से रिप्रेजेंट करें और टाइम को बी से रिप्रेजेंट करें, तो ए डिवाइडेड बाय बी हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो डिवाइड कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 18 एक्स डिवाइडेड बाय 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड क्या करना, वही का वही आएगा, और यहां से आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 12। तो हमें यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को यहीं रखती हूं, 300 डिवाइडेड बाय 12 है, ये 5/18 है इधर। ठीक है, तो अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ना इधर जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 18/5, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, एक ही बात है, बस मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी। 5 ऊपर से नीचे आ जाएगा, नीचे वाला 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब इसको कैंसिल करो, 6 2 12, 6 3 18, 5 1 5, 5 5 25, नहीं सॉरी 5 6 30 एंड 0, 2 1 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, 0 से 3 3 9, एक्स की वैल्यू 9 आई, और एक्स हमने क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, यहां से देखो हमने स्पीड क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स ली थी, एक्स किलोमीटर पर आर, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 90। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आर। अ ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आर। तो ये इसकी क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। तो सबसे पहले हमने लिखा स्पीड ऑफ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 130 मीटर लॉन्ग। तो अब आप यहां से देखो, जब ये ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ मीटर में है, तो हम स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा किलोमीटर की जगह 1000
और आर की जगह 36, मतलब 5/18 से ही कर रहे हैं एक तरीके से। हमने पूरा लिख दिया इसको, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो, जितना कैंसिल होता है। 4 9 36, 4 2 8 0, ठीक है। तो याद आता है हमारे पास 200 / 9 m/s, ठीक है। तो हमने अपनी टेबल बनाई है मीटर डिस्टेंस और टाइम में, डिस्टेंस मीटर में और टाइम, सारे क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं अब तक जितने हमने किए हैं। तो यहां से मुझे पता चलेगा 200 / 9 m/s, मीटर डिस्टेंस कितने में कमर होता है, पर सेकंड, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो डिस्टेंस में लिखेंगे 200 / 9 m और टाइम में आ जाएगा 1 सेकंड। अब आपसे पूछा गया है अ ट्रेन 270 m लॉन्ग, हाउ मच टाइम विल इट कवर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 130 m लॉन्ग। अब मैंने आपको बताया था जब ट्रेन कवर करती है किसी प्लेटफॉर्म को तो आप कौन सा डिस्टेंस लेते हो, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो यहां पर आपका आ जाएगा लेट, तो हमने यहां पे लिख लिया है लेट टाइम टेकन टू कवर अ प्लेटफॉर्म एक्स सेकंड, तो मैंने टाइम क्या लिख लिया, एक्स सेकंड। अब हमें पता है जब वो एक प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, डिस्टेंस कवर इन एक्स सेकंड क्या आता है, वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। अब ट्रेन की लेंथ 270 है और प्लेटफॉर्म की लेंथ 130 है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 400 m। मतलब ये जो 400 m डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर होगा, एक्स सेकंड में, ठीक है। मैं अब आपको पिक्चर नहीं दिखा रही हूँ बुक में से, वो कई क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो आपको पता है जब डिस्टेंस आपका किसके इक्वल हो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो, आपकी टेबल डिस्टेंस और टाइम में, तो कौन सा वेरिएशन है, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहां से आ जाएगा दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो हमारा अगर डिस्टेंस ए है और टाइम बी है तो ए डिवाइडेड बी बाय बी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो 200 / 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 400 / x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 × x 400 × 9, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 400 × 9 / 200, 200 से कैंसिल करोगे 2 पे होगा 400 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 × 2 = 18। देयरफॉर प्लेटफॉर्म क्रॉस इन 18 सेकंड। तो यहां पर आपके 10 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। यहां पर आपकी वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।